आपने मैच देखा हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, सर टांगों में देखे ना मरोड़ के, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है टीम इंडिया, और पाकिस्तान में करना भी चाहिए। जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इन हमारे लंथियों या बाबर आजम गट्टे को, पता चलना चाहिए कि किस तरह अच्छी टीमों को हराया जाता है। ऐसी पिच के ऊपर मारी है कि ऑस्ट्रेलिया जिंदगी भर इस मारी भी को याद रखेगा। जिस ये सेंचुरी नहीं मारी उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया की मारी है नागपुर में पकड़ के। ऐसे बड़ी टीमों को हराया जाता है एट होम भाई। रमीज राजा साहब, बाबर आजम साहब, सकलैन मुश्ताक साहब, ये तरीका है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें आती हैं खेलने के लिए आपके बैकयार्ड में, तो इस तरह से आप उनका काम उतारते हैं जिस तरह से इंडिया ने आज काम उतार दिया। अबे 32 ओवर की टांगे नहीं है इस ढक्कन के, पैट कमिंस के पास, उसके ऊपर जस्टिन लैंगर तुम डाल रहे हो, तुम मंजन निमटा रहे हो ये वाला के यार ये पिचेस ये लेकर आए। अबे तुम्हारे 5 लेफ्टी ट्रैप कर गया इंडिया, 5 लेफ्टी, कैसे तुम लोगों से रन नहीं बने जबकि रविंद्र जडेजा लेफ्टी, तुम बोल रहे हो लेफ्टी को, लेफ्टी क्या गेंद विकेट पिच बनाई, रविंद्र जडेजा लेफ्टी, अक्षर पटेल लेफ्टी। अबे सबसे बड़ी पार्टनरशिप का ठोस थी तुम्हारे अंदर। इंडिया के लेफ्टी जो है नीचे आके 150 पार्टनरशिप ठोक रहे हैं, उधर आपका एलेक्स केरी फारिक है, उधर आपका उस्मान ख्वाजा फारिक है, उधर आपका डेविड वार्नर फारिक है, उधर आपका मैथ्यू रेंचा, यानी कि आपके जो 5 लेफ्टी थे ऑस्ट्रेलिया के, जब वो आउट हुए तो आपने बोला हमें ट्रैप किया है। अबे तो टेक्निकली ट्रैप किया था इंडिया ने तुम्हें। टीम इंडिया पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है और रीजन बड़ा ही शानदार है। टीम इंडिया की शानदार जीत से जितने हम खुश है उससे ज्यादा पाकिस्तानी खुश है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और पाक मीडिया जमकर भारत की तारीफ कर रहे हैं, जबकि बाबर आजम को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेटर्स और पाक मीडिया बाबर और रमीज की क्लास लगाए हुए और कह रहे हैं कि देखो भारत ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी, और ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को बेइज्जत करके हरा के गया था। आइए देखते हैं मजेदार वीडियो, मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के अंत में। रमीज राजा के टाइम में एकदम से एक नई चीज आई कि पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बन ही नहीं सकती। ऊपर से लोग कहते थे बाबर आजम को न छेड़ना, मत कप्तानी से हटाना, वरना बहुत बुरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और कुछ बुरा नहीं होगा, टेस्ट से तो सबसे पहले हटाओ। हमारे यहां मसला क्या था इन पाकिस्तान के, तुमने बड़े बड़े स्टेटमेंट इसलिए दाग दिए थे कि तुम लोग भाई बड़े सॉलिड होते हो, होमवर्क बेस्ड लोग होते हैं सब, हर आदमी अपना होमवर्क डन करके किसी के पास आता है। तो मैं आपको ये बात समझा दूं, आपने होमवर्क किया हुआ था कि यार इनके पास एक आदमी है जो इनका कप्तान है बाबर आजम, वो 150-150 कर सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम आउट ना कर सके। रन बनाने दो, ये था कि इसको रन बनाने दो, रन का भूखा है। 32 ओवर की टांगे नहीं है इस ढक्कन के, पैट कमिंस के पास, उसके ऊपर जस्टिन लैंगर तुम डाल रहे हो, तुम मंजन निमटा रहे हो ये वाला के यार ये पिचेस ये लेकर आए। अबे तुम्हारे 5 लेफ्टी ट्रैप कर गया इंडिया, 5 लेफ्टी, कैसे तुम लोगों से रन नहीं बने जबकि सर टांगों में देखे ना मरोड़ के, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। टीम इंडिया हैज एग्जिबिटेड द टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। टीम इंडिया हैज शोन देयर कैरेक्टर दैट दे हैव गट्स, दे हैव अ दिल गुर्दा, और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है, और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना। मेरे ख्याल में टीम इंडिया की भी तासीर ऐसी ही है, आगे बढ़ते जाना। कैरेक्टर शो जब होता है ना किसी भी नेशन में तो मज़ा आता है देखने में, कि यार जब टीमें खड़ी होती हैं, रीग्रुप करती हैं, और जब बताती हैं कि यार हमारा ये है कैरेक्टर, हम ये करते हैं, हम ये करके दिखा सकते हैं, तो तब मज़ा आता है मुझे यार कि यार कमाल हो गया। जडेजा लेफ्टी, तुम बोल रहे हो लेफ्टी को, लेफ्टी क्या गेंद विकेट पिच बनाई थी, रविंद्र जडेजा लेफ्टी, अक्षर पटेल लेफ्टी। अबे सबसे बड़ी पार्टनरशिप का ठोस थी तुम्हारे अंदर, उसके बाद तुम निकल के नहीं आ सके गेम में तुम्हारा वापस। एक मैच में जडेजा, एक में अश्विन, बैटिंग में पटेल, फिर बचा क्या तुम्हारे पास बचाने को, इज्जत लूट ली नागपुर में 3 दिन में तुम्हें 132 रन की शिकस्त। अबे लाना था इनिंग और 132 रन, मतलब यार कमाल हो गया। जिसमें तुम्हारा डेब्यूटेंट जिसने एक साल में टेस्ट भी डेब्यू कर गया, 7 विकेटें लेके जा रहा है, दूसरी बारी में भी कुछ नहीं कर सका, लालच भेजो इसके ऊपर सबसे पहले, सब मिलकर उस्मान ख्वाजा के ऊपर जो बेकारी में डीआरपी ले रहे थे, मेरा वीजा अबे ले ली तेरी वीजा देकर, और क्या चाहिए। इंडिया के लेफ्टी जो है नीचे आके 150 पार्टनरशिप ठोक रहे हैं, उधर आपका एलेक्स केरी फारिक है, उधर आपका उस्मान ख्वाजा फारिक है, उधर आपका डेविड वार्नर फारिक है, उधर आपका मैथ्यू रेंचा, यानी कि आपके जो 5 लेफ्टी थे ऑस्ट्रेलिया के, जब वो आउट हुए तो आपने बोला हमें ट्रैप किया है। अबे तो टेक्निकली ट्रैप किया था इंडिया ने तुम्हें, लैक ऑफ स्किल्स है, लैक ऑफ स्किल्स टू प्ले स्पिन, कॉस्ट यू गाइस, आपको लैक ऑफ स्पिन ने मारा है। जब इंडिया या पाकिस्तान, जब ऑस्ट्रेलिया जाते तो आप
आप उन्हें विकेट की हार्डनेस से मारते हैं ना, एक्स्ट्रा बाउंस से मारते हैं। इंडिया को तो नहीं मार पाते क्योंकि इंडिया के बैट्समैन ज्यादा तगड़े होते हैं, ये बात हम एडमिट करते हैं। बताओ जो इस मैच का जो असल मोमेंटम है वो रोहित शर्मा की ये क्लास सेंचुरी है जो उन्होंने ऐसी पिच के ऊपर मारी है, ऐसी पिच के ऊपर मारी है कि ऑस्ट्रेलिया जिंदगी भर इस मारी भी को याद रखेगा। जिस ये सेंचुरी नहीं मारी उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया की मारी है नागपुर में पकड़ के। शर्मा के यार 120 रन वो तो उन लोगों के हजार रन से बेहतर है जो पूरे साल में बना के रखते हैं भाई। ये वो रन है जिसने बुनियाद रखी है ऑस्ट्रेलिया की, फटे थी ऑस्ट्रेलिया की। ऐसे बड़ी टीमों को हराया जाता है एट होम भाई। रमीज राजा साहब, बाबर आजम साहब, सकलैन मुश्ताक साहब, ये तरीका है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें आती हैं खेलने के लिए आपके बैकयार्ड में, तो इस तरह से आप उनका काम उतारते हैं जिस तरह से इंडिया ने आज काम उतारा। ऑस्ट्रेलिया भी हमें हरा के चला गया, उसके बाद इंग्लैंड ने तो हमें बिल्कुल ही जो है सफाया हमारे करके गया, और न्यूजीलैंड को हमारा नहीं पाया। जो दो टेस्ट हुए दोनों में न्यूजीलैंड का पल्ला भारी था। तो ये तरीका होता है भाई, जब आप ज्यादा होशियार बनेंगे ना, जब आप ज्यादा इंस्टाइन बनने की कोशिश करते हैं तो ये नतीजा निकलता है। आपको सिंपल, जब कोई बड़ी टीम आती है आपके पास खेलने के लिए तो आप सिंपल फॉर्मूला पे जाते हैं यार। लेकिन ये रमीज राजा के टाइम में एकदम से एक नई चीज आई कि जी पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बनी नहीं सकती। ऊपर से लोग कहते थे बाबर आजम को न मत छेड़ना, मत कप्तानी से हटाना, वरना बहुत बुरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और कुछ बुरा नहीं होगा टेस्ट से तो सबसे पहले हटाओ, क्योंकि जिस कप्तान में कोई सोच ही ना हो, जो जिसको कॉन्फिडेंस ना हो, और साथ में एक मतलब मैं क्या बोलूं यार सकलैन मुश्ताक को, ऐसे कोच हो जो कि डरते हो मतलब बड़ी टीमों से, और तैयार ना हो अपने स्पिनर्स के ऊपर, अपने बैट्समैन के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। उनके साथ यही होता है भाई। ये देखें, ये टेस्ट देख रहे हैं आप, रोहित शर्मा कोई उससे इतने ज्यादा रन नहीं हो रहे हैं इन रिसेंट टाइम्स। एक साथ बार टेस्ट खेल रहा था कप्तान की इनिंग्स 120 करके उसने खत्म कर दिया ना टेस्ट मैच को। ये होता है कप्तान का रोल। लोग कहते हैं बाबर आजम अकेला क्या करेगा बेचारा, बाकी भी तो करना है। तो ये देख लें आप कैसे रोहित शर्मा ने टोन सेट किया। यार बात वही है कि हम बहुत पीछे रह गए, सीधी सी बात, नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू टेस्ट क्रिकेट, दैट इज वेयर आई फॉल्ट लाइज। इंडिया ने आज जो क्रश किया ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रेलिया मैं कहता हूं कि अगर बाकी टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ये मेंटल स्कार से निकला है जो आज उनके साथ हुआ है कि लिटरली ढाई घंटे तीन घंटे के अंदर जो है 10 विकेट उड़ा दी इंडिया ने, ये बहुत बड़ी बात हो। ऑस्ट्रेलिया को मैं बोलता हूं जो खल रहा होगा ना सबसे ज्यादा, वो खल ये रहा होगा कि इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर दो दफा सीरीज जीत के आगे, वहां पर टेस्ट मैचेस जीत के आगे, उनके फोर्ट्रेसेस में जीत के आगे, ठीक है, अब यहां भी हरा दिया तो अब क्या रह गया, होम एंड अवे पे, दैट मींस इंडिया इज नंबर सुपीरियर साइड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया डिजर्व्स द नंबर वन रैंकिंग ओवर कैसे बोलते ऑस्ट्रेलिया। मेरी नजर में अगर इस वक्त एक टीम है जो कांटे का मुकाबला करेगी इंडिया के साथ इवन इन इंडिया, दैट इज इंग्लैंड। यार सीधी बात है, ये ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपने घर पे ठीक है भाई, ये अपने घर पे विकेट बनाते हैं जैसे ये ब्रिस्बेन में बनाते हैं, जहां बाउंस हो, पेस हो, मूवमेंट हो, और फिर ये काम उतार देते हैं बाकी सारी टीमों का, जो कि इंडिया के साथ नहीं कर पाए। और ब्रिलियंट, मतलब जिस पिच पे 400 रन कर रहा है इंडिया, जिस पिच पे रोहित शर्मा 120 कर रहा है, जिस पिच पे अक्षर पटेल ने आज क्या बैटिंग की है यार 84, जिस पिच पे जडेजा 70 कर रहा है, जिस पिच पे मोहम्मद शामी मतलब 10 नंबर डाल 57 कर रहा है, तो आप मतलब अब ये कहेंगे कि इस पिच पे अनप्लेबल था, या आईसीसी ये कहेगा जी इसको हम डीमेरिट पॉइंट दे रहे हैं क्योंकि ये पिच क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं थी, टेस्ट क्रिकेट अच्छी नहीं थी। कैसे इंडिया ने रन कर दिया यार मुझे बताओ, क्योंकि इंडिया ने एक एक मेथड से खेला, खुल के खेला, एक प्रॉपर क्रिकेट खेली। और भाईजान ये को पाकिस्तान नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वालों आगे हरा के चले जाओगे, ये इंडिया है। और आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले कितने दफा हो गए हैं भाईजान, ये पाकिस्तान घंटों की टीम नहीं है, बाबर आजम घंटे की टीम नहीं है, ये क्या हो गया हरा के चले जाओगे और मुंह तक रह जाएंगे, ये इंडिया है भाईजान, इधर से आपकी ली जाएगी और अच्छी खासी ली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया 91 पे ऑल आउट हो गया, एक इनिंग से हारा है, एक इनिंग से वो भारत के बच्चे हार गया भाईजान। रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट लिया इस इनिंग्स में, जडेजा, अक्षर पटेल, भाईजान अंदर चले गए आपके, पूरे पूरे अंदर चले गए आपके। ऑस्ट्रेलिया वालों अब आओ ना, अब आओ, ये आप अपने होम ग्राउंड में जीत रहे थे, अब आए हो असल जगह पे, अब असल मुकाम पे आए हो और आपके खुद के हाथ में आ गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट भाईजान, पाकिस्तान घंटों की टीम नहीं है, ये बाबर आजम घंटे की टीम नहीं है। अल्लाह की कसम बाबर आजम घंटे को सीखना चाहिए, बाबर आजम भारत के बच्चे को सीखना चाहिए कि किस तरह अपने होम में डोमिनेट किया जाता है, किस तरह अपनी जो है वो पोजिशन बनाई जाती है, या किस तरह अपने आप को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आगे डोमिनेट किया जाता है, चाहे वो अवे खेल रहे हो चाहे वो अपने होम में खेल रहे हो। क्योंकि भाईजान इंडिया ने यह चीज करके बता दिया ना कि आप ऑस्ट्रेलिया को जलील कर सकते हो। मुझे बता दो, अल्लाह की कसम, ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं होती, ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं होती, और ऑस्ट्रेलिया ये पाकिस्तान को कच्चा चबा के ना खाती। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बड़ा जलील किया हुआ है ना, और ये ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया के हाथों जलील हो रही है। मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया, ये वही पिच थी ना, ये वही पिच थी जो मैच से पहले, पिच टर्निंग है, पिच वो है, पिच ये है, पिच दी पहली सीरीज है, इसी पिच पे इंडिया ने 400 किया, इसी पिच पे अक्षर पटेल 84 कर गया, इसी पिच पे रोहित शर्मा ने 120 किया, और इसी पिच पे आप दो बार ऑल आउट हुए हो, और दूसरी बार तो 91 पे घंटे डेढ़ में ऑल आउट हो गया आप लोग। लानत है आपकी शक्लों के ऊपर, लानत मैं भेजता हूं। वो बाबर आजम की टीम नहीं थी ना, ये इंडिया की टीम थी, ब्यूटी क्रिकेट है, अल्लाह की कसम। अब जो लोग कहेंगे ना कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में जीता, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दो बार उनके घर में भी हराया, 2010
2017 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे हैं, ये वाली फिर सीरीज है, ये वाली सीरीज यार हार गए हैं, ये वाली सीरीज भी पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है इस इंडिया, और पाकिस्तान में करना भी चाहिए जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी है इन हमारे लंथियों या बाबर आजम गट्टे को, पता चलना चाहिए कि किस तरह अच्छी टीमों को हराया जाता है, किस तरह आप डोमिनेट करते हो वो। दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेटर्स की क्लास लगा दी है, निशाने पर रहे हैं बाबर आजम और रमीज राजा, उनका ऐसा बाजा बजा है कि उनके सोशल मीडिया से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। सेम पिच पे ऑस्ट्रेलिया को रुला के जिस तरीके से भारत ने स्कोर का पहाड़ खड़ा किया है उसे देख के पूरा क्रिकेट वर्ल्ड भारत की तारीफ कर रहा है। दोस्तों वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसी लेटेस्ट धमाकेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिले।